हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनान को, उसी को हम लोग आगे देखते हैं हमारे और कंपाउंड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड है आपका ज़ीनान OF2। ठीक है, ज़ीनान OF2 को हम देख लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके समझेंगे। ठीक है, ज़ीनान O2F2, सॉरी ज़ीनान O2F2 को देखते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं ज़ीनान का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन का 5s 5p और 5d में। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। देन उसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, तब क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कितने हैं, 2 फ्लोरिन है यहाँ पे, तो हमें इससे 2 बॉन्ड बनेंगे और फ्लोरिन सिंगल बॉन्ड बनाता है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 4 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनना चाहिए, 6 बॉन्ड बनने चाहिए। तो 6 बॉन्ड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइटेड करके, इस एक एक एक्साइटेड करके हम लोग क्या किए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लिए। ठीक है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया एक्साइटेड स्टेट में। अब हम देखेंगे ज़ीनान O2F2 के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ये जो है जैसा का तैसा रखा हुआ है, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन था ऊपर वाले में, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन का आ गया, है ना, एक फ्लोरीन आ गया, दूसरे में फिर एक फ्लोरीन, और थर्ड में क्या है, एक ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक उसका पाई बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक क्या बना लिया सिग्मा, एक बना लिया पाई, वैसे दूसरा भी ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक सिग्मा बना लिया, दूसरा पाई बना लिया। और हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, इससे आपको ज़ीनान के कंपाउंड को समझने में और बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में कितना कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड करेगा, पाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल, से क्या बन गया, sp3d। आपको पता है sp3d का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कितने लोन पेयर इसमें, तो ये एक लोन पेयर, ये वाला सिंपल एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम बॉन्ड पेयर देख लेते हैं कितने हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, उसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड में कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर हो गया। फिर आ गया डी पाई पी पाई बॉन्ड में कितने हैं, तो 2 डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, ये वाला क्या है, 1 डी पाई बॉन्डिंग और दूसरा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं आपको, ज़ीनान का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बॉन्ड बोला जा रहा है। ये आपको पॉइंट ऑफ याद हो गया। तब देख रहे हैं यहाँ पे एक लोन पेयर ये वाला हो गया स्ट्रक्चर में, देखें तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और 2 फ्लोरिन। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, बस ये बट ये लोन पेयर की वजह से क्या है, लोन पेयर के डिस्टॉर्टेड कर देता है स्ट्रक्चर को, जैसा होना चाहिए एक रेगुलर शेप वैसा नहीं होता है, शेप क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हिंदी में बोलेंगे विकृत त्रिकोणी द्वि पिरामिडी, त्रिकोणी विकृत द्वि पिरामिडी स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको इतना ही जानना है इन सब के बारे में। अब हम देखते हैं ज़ीनान F4 के बारे में, जो ज़ीनान F4 में, ज़ीनान OF4 में, ठीक है, ज़ीनान OF4 में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में हमें कितने बॉन्ड चाहिए, 4 फ्लोरीन है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो 2 बॉन्ड बनेगा, टोटल कितने बॉन्ड चाहिए हमें, 6 बॉन्ड बनाने हैं, और 6 बॉन्ड 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बनेगा, अयुग्मित हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो आप लोग, मैंने यहाँ पे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिए, किसके थ्रू, एक्साइटेड के थ्रू, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा दिया हायर एनर्जी स्टेट पे।
ठीक है, एनर्जी दे करके, तो सिक्स युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, ये जैसा है वैसा ही ये, इसमें क्या हो गया कि फ्लोरीन 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 आगे ओवरलैपिंग हो गया फ्लोरीन के साथ, और तीन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, चौथा फ्लोरीन भी एक और डी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बट एक ऑक्सीजन है वो एक पाई बॉन्ड बना लिया, एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड डी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करता नहीं था, तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या बना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था इसका, ऑक्टाहेड्रल, बट होता क्या है यहाँ पे, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले यहाँ पे, तो लोन पेयर कितने हैं इसमें, इस और स्ट्रक्चर पे 1 है, एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर ये हमारा 3 हो गया, ये 3d2, 3 और 2 5, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जबकि ये आपका डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ये कितना है, 1, ठीक है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कितने हैं, 1 है। तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक लोन पेयर नीचे रख दिया, तो ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और ऊपर में ऑक्सीजन है, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे सभी में तो कैसे दिखेगा, एक पिरामिड के जैसे दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल या फिर वर्ग पिरामिडी स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है, मैं बता दिया हूँ आपको। पाई बॉन्ड किसके थ्रू हो रहा है, तो पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के और डी ऑर्बिटल ज़िनॉन के, ये वाला भी आपको स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं अपने, तो हम देख लेते हैं ज़िनॉन O2F4 पे। ये ज़िनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, 5s 5p और 5d। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, एक फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन है तो ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, 8 टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 8 बॉन्ड बनने चाहिए, तो हमें कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो सिंगल हो, ठीक है, क्या हो, अयुग्मित हो। इससे आपको इजी होगा, कितना आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करना है ये आपको पता चलेगा, अगर ये वाले पॉइंट को आप समझ जाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए, 8 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, हमने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्साइटेड करा दिया, है ना, हमने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ज़िनॉन O2F2 में एक फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरा फ्लोरीन भी सिग्मा बॉन्ड, तीसरा फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, चौथा फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन बचे 2, तो 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं होता है, तो क्या बनेगा, sp3d2। जब sp3d2 बनता है तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, पाई बॉन्ड को छोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 2 है। ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए था, देख रहे हो यहाँ पे ज़िनॉन है, 1 2 3 4 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन, है ना, सही है, कोई सभी इसमें क्या है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर अब्सेंट है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हम लोगों ने पूरे इस वीडियो सीरीज़ में केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज में आज हम उसको कंप्लीट कर दिए हैं, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, साथ में ज़िनॉन के कंपाउंड्स को भी मैंने एक एक करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लें एक एक करके, जिससे आपको आसानी होगा, ईजी वे में आप कोई भी आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में ईजी वे में लिख सकते हैं। और जो ज़िनॉन्स के कंपाउंड्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि इससे इस ग्रुप 18 से ज़्यादातर ज़िनॉन के कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।